ये एक और क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर दूं। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड है। सवाल क्या है, मैं आपको सवाल पहले जल्दी से दिखा दूं। सवाल है कि ये पूछा उन्होंने कि रेफर टू अपेंडिसेस 2 एंड 3, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इफ द नेट कैश फ्लोज ऑफ 0.4 मिलियन डॉलर कंटिन्यू आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर भी, कि अगर 5 साल के बाद भी आपको 0.4 मिलियन डॉलर की नेट कैश फ्लो आ रही है, तो बताएं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड पे बैक क्या होगा। तो अब जरा आप गौर करते हैं, अपेंडिक्स 2 3 में निकाल लेता हूँ, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है, अपेंडिक्स 2 और 3। तो अब हम पहले डिस्काउंटेड जो पे बैक है वो आपको पता है कैसे निकलता है। तो उसने क्या है, अगर कंटिन्यू करे 5 साल के बाद भी, कौन सी, यानी कि जो हमें 0.4 मिलियन नजर आ रहा है ना, कौन सा भला, ये वो कह रहे हैं कि 6ठे साल भी 0.4 मिलियन भी आपके पास नेट कैश फ्लो आ रही है, ठीक है, 7वें साल भी 0.4 मिलियन आ रही है, ये सवाल है ना। वो कह रहे हैं बताएं डिस्काउंटेड जो पे बैक है वो क्या हुआ। अब आपने एक बात समझनी है कि आपको पता है कि हम जो नेट कैश फ्लोज होती हैं ये वाली, इनको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, या डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज आ जाती हैं, जैसे इन्होंने निकाले में। तो यहाँ पर जो उन्होंने वैल्यूज ली हैं ये डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आई हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज, मतलब ये डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसीलिए उन्होंने पहले 5 सालों का डिस्काउंट फैक्टर दिया है, कोई नहीं। उन्होंने कहाँ से शुरू किया है, 6ठे साल से, क्योंकि उन्होंने निकाल के पहले ही दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जमा कर लेंगे, इन सबको हम जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम जमा कर रहे हैं इसको आपके सामने, कोशिश है कि जल्दी जल्दी कर लूं। अच्छा, अब पहले है जी, ओहो ये क्या आ गया जी, पहले है जी 0.455, ठीक है, प्लस 0.415 प्लस 0.375 प्लस 0.272 और प्लस 0.248, ये जमा किया तो आया 1.765, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1.765, 1.765, ठीक है जी, आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर अपने पे बैक निकालना है, ये डिस्काउंटेड पे बैक हो गया ना, कि आपने पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फिर देखना है कि आपकी कॉस्ट कब कवर हुई है। अब क्या करेंगे, आपके पास जो नेट कैश फ्लो, जो ओरिजिनल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2-2.0 है, उसकी डिस्काउंटेड भी क्यों दी हुई है, क्योंकि याद रखना है 0 ईयर है ना साल के स्टार्ट में, जो डिस्काउंट फैक्टर होता है ना वो 1 ही होता है, पूरा 1, क्योंकि रिस्क कोई नहीं है ना, तो इसलिए वो आपको आगे 2.0 नजर आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये नहीं देते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं ना होना, वो 1 ही होता है, तो वो वही निकलेगा -2.0। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2.0 -1.765, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये भी जल्दी से देख लेते हैं, ये आता है जी 2.0 -1.765, ये आंसर आ गया 0.235, ठीक है जी, क्या आया जी 0.235। अच्छा, ये आया अभी 5 साल तक का, ठीक है, हमारे पास डेटा 5 साल तक का था ना, लेकिन यहाँ पर अभी सारी तो कॉस्ट कवर नहीं हुई, 0.235 कॉस्ट तो रह गई, अभी रह गई ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये जो नेट कैश फ्लो है ये आगे भी कंटिन्यू रहती है 0.4 मिलियन की, तो बताएं कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होगा। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें 6ठे साल का भी डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमें पहले 5 साल का डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो दिया हुआ है, 6ठे साल का नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है हमें देखना पड़ेगा 6ठे साल का डिस्काउंट फैक्टर क्या है। तो वो ये है, डिस्काउंट फैक्टर कितना दिया हुआ 6ठे साल का, 0.56, तो हम क्या करेंगे इनटू 0.56 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज उन्होंने मल्टीप्लाई करके दी हुई है, ठीक है, पता कैसे चला, क्योंकि डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो दी हुई है। तो अब क्या करेंगे जी, हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया जी हमारे पास, मैं आपके सामने कर देता हूँ जी, 0.4 × 0.56, आंसर आ गया 0.224, ठीक है जी।
0.224, वो मैंने नीचे लिख दिया, ये भी माइनस कर देना, ये भी आ रहा आपके पास, ये लिख दिया 0.224, ठीक है। ये छठे साल की आपके पास डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो आ गई। हम डिस्काउंटेड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पूछा ही डिस्काउंटेड पे बैक है। अगर डिस्काउंटेड पे बैक ना पूछा तो, खाली पे बैक पूछा होता तो हमने इस कॉलम का कुछ भी नहीं करना, हमने इन वैल्यूज को लेना था, समझ आ रही है ना, ये डिस्काउंटेड है। तो मैं क्या करूंगा, छठे साल का जो डिस्काउंटेड हमारे पास से नेट कैश फ्लो आई है वो मैं इसमें से मजीद माइनस करूंगा, 0.224, ये भी माइनस कर देते हैं। अच्छा, ये माइनस करने से हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसको मैं माइनस करता हूं तो आता है जी 0.235 माइनस 0.224, ये आंसर आ गया क्या, 0.011, ठीक है। अभी भी आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो स्टिल रहती है, इतनी इतनी बच गई है, लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑलमोस्ट अब छठे साल के बाद डिस्काउंटेड पे बैक आपका पीरियड आ जाएगा। अच्छा, अब आप अभी थोड़ा रह गया ना, सातवें साल को भी ले लें, सातवें साल में भी 0.4 मिलियन आ रहा है, इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या है, 0.51, 0.51, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम करते हैं जी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.51, ये आ गया 0.204, ठीक है। क्या आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.204, इसका मतलब है अब ये जो डिस्काउंटेड नेट आपको नेट कैश फ्लो आई है सातवें साल, ये तो अब जो बैलेंस बचा है इनिशियल कॉस्ट का उससे ज्यादा हो गई, इसका मतलब है छठे साल के बाद, सातवां साल नहीं आएगा, सातवें साल से पहले ही आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। तो डिस्काउंटेड पे बैक आपका, आप कह सकते हैं जस्ट ओवर 6 ईयर्स, क्योंकि 6 साल पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, अगर आपने दिनों में निकालना है तो वो भी निकल सकता है, लेकिन बहरहाल आप इतना भी लिख देंगे ना 6 साल की वर्किंग करके कि 6 साल से ऊपर आएगा, क्योंकि अब थोड़ी सी अमाउंट रह गई है, पूरे साल में तो 0.205 04 आ रहा है ना हमारे पास, जबकि हमें सिर्फ 0.011 चाहिए, तो इसका मतलब है सातवां साल पूरा नहीं होगा और आपकी इनिशियल कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो अगर आप जस्ट ओवर 6 ईयर लिखते हैं तो आपका आंसर सही होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है नंबर ऑफ डेज में भी, बहरहाल वो जरूरी नहीं है, नहीं भी करेंगे तो एग्जामिनर पूरे नंबर आपको दे देगा। आई होप यू गॉट योर पॉइंट, यू गॉट योर आंसर।